अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube चैनल पर किचन गार्डनिंग के हवाले से एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वक्त हम लाहौर DHA में मौजूद हैं। ये मोहम्मद हुसैन माली साहब हैं, ये किचन गार्डनिंग का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और विंटर सीज़न के हवाले से इन्होंने सब्ज़ियां काश्त की हुई हैं। हम इन सब्ज़ियों की डिटेल लेते हैं क्योंकि अगर आप घर में इस तरह की छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं तो आपका जो किचन का ख़र्चा है वो बच जाता है और डेली आप जो फ्रेश सब्ज़ियाँ ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो सेहत को बढ़ा सकते हैं और अपनी बचत भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आपकी बचत होगी तो आपकी जो सेहत है वो भी बनेगी। तो बिला तखीर हम मोहम्मद हुसैन साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कितना तजर्बा रखते हैं आप किचन गार्डनिंग का? अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 साल का ये काम कर रहे हैं। 10 से 12 साल हो गए हैं। तो सर्दियों की आपने सब्जियां लगाई हुई हैं? जी सर्दियों की सब्जियां लगी हैं। इस वक्त तकरीबन आपने कितनी किस्म की जो सब्जियां वो काश्त की हुई हैं? तकरीबन 15 से 20 किस्म की सब्जियां लगी हुई हैं। 15 से 20 किस्म की। तो एक एक करके आप हमें डिटेल दें जी, बिल्कुल, ताकि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। ये जो सामने सब्जी लगी हुई है ये कौन सी है? ये चाइना कैबेज है। चाइना कैबेज, इसका क्या फ़ायदा है सर? ये सैलड में इस्तेमाल होती है, सैलड में इस्तेमाल होती है, सब्जी आप बना सकते हैं, इंग्लिश जितने भी है चाइनीज खाने सब में यूज होती है। अच्छा, ये किस मौसम में काश्त की जाती है? ये अगस्त में। अगस्त में काश्त की जाती है और किस मौसम तक यानी कि किस महीने तक ये चलती है? ये 3-4 माह चलती है। 3 से 4 माह चलती है जी। अब इसकी कितनी उम्र होगी? अब ये इस्तेमाल करने के काबिल होगी? ये 1 माह हो गया इसको। अब ये इस्तेमाल करने के काबिल है जी, बिल्कुल। अच्छा, और इसके अंदर आपने ऑटोमेटिक जो पानी का सिस्टम है वो लगाया हुआ है? जी, ये स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ठीक है। और इसको कोई गोडी वगैरह करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? जरूरत पड़ती है लेकिन मेंटेन किया हुआ है। आपके सामने सारा पौधे बड़े हो गए हैं, छोटे थे तो गोडी करते रहे। ठीक है, अगर हम इस क्यारी की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? ये होगी तकरीबन 15 फुट लंबाई है और 5 फुट चढ़ाई है। ठीक है। और इधर आपने क्या काश्त किया होगा? अभी इधर लगाना सैलड लगाना। सैलड लगाना जी, लगाना। और इसी तरह ही हम आगे चलते हैं। और ये क्या काश्त किया होगा? ये कसूरी मेथी सर। कसूरी मेथी, हाँ जी। ये किस मौसम में काश्त की जाती है? ये भी अगस्त में हुई है। अगस्त में स्टार्ट हुई है सब्जी। और ये कितने माह तक चलेगी? ये तकरीबन 3 माह। 3 माह तक ये चलेगी। यूज करते रहते हैं दोबारा फिर। अच्छा, और साथ ये क्या लगाया हुआ? ब्रोकली है, इंग्लिश। इंग्लिश ब्रोकली, ये भी सैलड में इस्तेमाल होती है? हाँ, खानों में या सब्जी के तौर पर इस्तेमाल? सब्जी के तौर में भी कर सकते हैं, सैलड में ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती है। वैसे इंग्लिश है, इंग्लिश ब्रोकली। और ये दोस्तों धनिया काश किया हुआ है। आप सब दोस्त इस चीज से अवेयर हैं कि धनिया हर मौसम में ही तकरीबन हो जाता है, हर सब्जी में इस्तेमाल। और ये सर क्या लगाया हुआ है आपने? कौन सा सर? ये सामने, ये तुलसी है। तुलसी, इसका क्या फ़ायदा है और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये खुशबूदार है और ये धनिया की जगह भी इस्तेमाल भी होती है, तो वैसे भी आप यूज़ करते सर, पुदीने की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस मौसम में काश्त की जाती है? ये सारी अगस्त में स्टार्ट होंगे। अच्छा, सारी सब्जियां अगस्त में स्टार्ट हुई हैं? एक हफ्ता पहले कोई लगी है, कोई एक हफ्ता बाद में लगी है, यानी कि अगस्त सितंबर में आप इनको काश्त कर सकते हैं। और ये सारी आपने घरेलू इस्तेमाल के लिए रखी हुई है? क्या चीज? बेजल। बेजल, ये इंग्लिश बेजल है। अच्छा, ये भी सैलड में इस्तेमाल? सैलड में ज्यादा इस्तेमाल, इंग्लिश बेजल। ठीक हो गया। और ये भी ब्रोकली है? ये सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता, ये रेड है, वो सब्ज़ है, आगे हाइसबर्ग है। ये सारी चीज़ें जो सैलड में इस्तेमाल होती हैं, जितने किचन के लिए अवेलेबल हमें चाहिए उतने यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये सब्ज़ प्याज है? सब्ज़ प्याज दोस्तों, ये चेक करें, बहुत अच्छे तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं और घरेलू इस्तेमाल के लिए। ये मूलियाँ लगी हुई हैं, बटर, और इधर 200 मटर लगाए हुए हैं। और सर्दियों के अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं घर की जो ऑर्गेनिक सब्जियां। बाकी रियाज भाई भी इस पर थोड़े से कमेंट्स करेंगे क्योंकि
वो भी अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं ये रेड कैबल्स किचन गार्डनिंग के हवाले से। ये क्या है? रेड कैबल्स। रेड कैबल्स। अच्छा रियाज भाई आगे आइएगा, थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कीजिएगा कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। ये रेड कैबेज है, ठीक है। ये सैलड के लिए हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, कुछ जो आजकल डॉक्टर ज़रात हैं वो भी कहते हैं भी आप सैलड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सैलड है वो मुख्तलिफ हमारे जिस्म की जो ज़रूरत है, फाइबर, विटामिन और मुख्तलिफ ज़रूरतें जो डॉक्टर रात बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं वो हमारी ज़िंदगी की ये ग्रीन सैलड में पूरी होती हैं। यह क्या लगा हुआ है सर? ये भी रेड कैबेज है, वो ख़त्म होगी तो ये तैयार हो जाएगी। यानी कि हम इसको ये साल साल चलती रहती है? नहीं, ये सर्दियों का सीज़न होता है, पर हम इसको लगाते इस तरतीब से हैं पहले वाली हमारा फल है जो वो ख़त्म होने के करीब जाए अगला फल तैयार हो जाए। ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ लगी हुई है? केल। केल ये भी सैलड का एक पत्ता होता है, ये सैलड में इस्तेमाल होता है। इंग्लिश ये कुछ आइटमें हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम दोस्तों को पता होता है, और हमारे माशाल्लाह ये थोड़ा सा जदीद हमारा फार्म है। यहाँ पे हम इंग्लिश तरीका और इंटरनेशनल तरीके से हर चीज़ तकरीबन कोशिश करते हैं उसको तैयार करने की। यानी कि ये ज़्यादा इंग्लिश सब्जियाँ और इनके बीज पाकिस्तान से मिल जाते हैं? जी, पाकिस्तान से मिल जाते हैं। किसी स्टोर से मिलते हैं या स्पेशल आप घर पे मंगवा लेते हैं? मुख्तलिफ जो हमारी नर्सरियाँ होती हैं वहाँ से मिल जाते हैं, या हमारी जो ज़राअत की दुकानें बीज यहाँ से मिलते हैं, ज़राअत के वहाँ से मिल जाते हैं। ये सब जो आइटमें आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक हमारा तरीका है लगाने का, इसको हम कोई स्प्रे खाद नहीं दिखाते, और हम हमारे जो जानवर हैं यहाँ पे उनकी हमारे पास गोट हैं उनकी हम जो देसी खाद होती है वही इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें ये मेथी है देसी हमारी पाकिस्तानी, और इसमें तो बाहर आप कहीं भी खेतीबाड़ी में देखेंगे तो मेथी में इतना ज़्यादा वो गंद होता है। यहाँ पे आपके सामने है ये चित्राल से स्पेशल मिट्टी आई हुई है। अच्छा। और साफ सुथरे तरीके से आपके सामने मेथी है जो तैयार हो रही है। अच्छा। हर चीज यानी कि कहीं आपको ये गोभी है आइटम नहीं मिलेगी। ये गोभी है, ये जो सामने देख रहा हूँ ये ब्रोकली है, ये भी ब्रोकली है, ये ब्रोकली है, ये इधर ये आइस बार है, ये आइस बार है, सलाद पत्ता ग्रीन है, सलाद पत्ता रेड है, ये भी ब्रोकली है, ये माशाल्लाह बस तैयार होने वाली है चंद दिनों में ये खत्म होगी, और उसके बाद ये थाईलैंड ब्रोकली है ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चाइना की और थाईलैंड की आपने दोनों जी, लगाई जी, जी, बिल्कुल। और मट्टी कहाँ से मंगवाई है? मट्टी चित्राल से मंगवाई। चित्राल से। और ये क्या चीज है? ये है पाक चोए, ये भी सैलड का एक हिस्सा है इंग्लिश सब्जियों का, ये अपना उसमें ना सैलड में बड़ी यूज़ की जाती है, और पाकिस्तान में